दोस्तों, सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने की कीमत बहुत कम ही लोग दे पाते हैं। आप हर रोज एक साधारण तरीके से काम करोगे तो उसका परिणाम भी आपको साधारण ही मिलेगा, लेकिन अगर आप दूसरों से अधिक मेहनत और दूसरों से अलग तरीके से काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अलग ही मिलेगा। आज मैं आपको क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप सच में उतनी मेहनत करते हो जितनी आपको अपने लक्ष्य पाने के लिए करनी चाहिए। एक बार एक न्यूज रिपोर्टर ने सचिन सर से पूछा कि क्या आप भी सुबह उठकर सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया चेक करते हैं। इस पर सचिन ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं जब तक 500 गेंदों की से अपनी प्रैक्टिस पूरी कर न लूं तब तक मैं सोशल मीडिया को हाथ तक नहीं लगाता। रिपोर्टर ने फिर कहा, सर अगर आप शतक या अर्धशतक बनाते हैं तो उसके अगले दिन आपके मन में यह ख्याल नहीं आता कि मैं अपनी सोशल मीडिया को एक बार देख लूं कि आखिर किस किस न्यूज में मेरी खबर आई है और किसने किसने क्या लिखा है। इस पर सचिन सर ने बड़े ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं शतक बनाकर सुबह सोशल मीडिया देख लूं तो यह छोटा सा खराब परिवर्तन मुझे मेरे इस स्थान से हटा देगा और मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए सबसे जरूरी काम है हर दिन 500 बॉल को फेस करना और इसके बाद ही बाकी कामों को समय देता हूं। दोस्तों, इनके लाइफ से एक चीज सीखने को मिलती है कि सभी के तरह आपके पास भी 24 ही घंटे हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले अपने 5 से 6 घंटे को पढ़ाई को दीजिए और बाकी बचे कामों को पढ़ाई के बाद ही करें। आपको कोई नहीं कह रहा 24 घंटे पढ़ने को, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा गोल जरूर पूरा करें जो आपको अपने सपनों तरफ ले जाता हो, उसके बाद ही बाकी कामों को समय दीजिए।